इस साल शयनी एकादशी 16 जुलाई और 17 जुलाई को मनाई जाएगी। 16 जुलाई रात 8:33 पर प्रारंभ होगी, जो कि 17 जुलाई को रात 9:02 पर समाप्त होगी। देव शयनी एकादशी का व्रत प्रारंभ 18 जुलाई 2024 को किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस व्रत की महिमा के बारे में, इस व्रत की कथा हम स्टार्ट करते हैं। इस व्रत के दिन युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, ये बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। हरि, शयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा शीर्ष सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण करके शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने की चतुर्मूर्ख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति से चंडाल होने पर भी संसार पर सदा मेरा प्रिय है। जो मनुष्य दीपदान पलाश के पत्तों पर भोजन और व्रत करते हुए चातुर्मास व्यतीत करता है, वह मेरे प्रिय चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं। इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। तथा जो चौमासे में ब्रह्मचार्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए। सभी भूलना कभी भूलना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा।